तो इसमें सुसाइडल है लोगों के लिए। चंडीगढ़ में तो 25% होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। मैं उसको डॉक्टर की सैलरी कहाँ से दूंगा? टोटली फिनिश हो गया होटल इंडस्ट्री। तो एमएचए की गाइडलाइन से अभी तक होटल इंडस्ट्री को कुछ भी अलाउ नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जहां पे पूरा देश परेशान है, हर तरह की मजबूरी से गुजर रहा है, ऐसे में एक इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, जो कि मजबूर है आज अपनी रीति नीतियों को बदलने के लिए, नए बिजनेस आयामों को तय करने के लिए। और जिस तरह से इस इंडस्ट्री को कोरोना काल में एक बहुत बड़ा चोट लगा है, हम ये कहें बहुत बड़ा झटका लगा है, उससे उभर पाने की स्थिति इसकी आगे भविष्य में कैसी होगी, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंदर पाल सिंह, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन चंडीगढ़। सिंह साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सिंह साहब, जैसा कि कोरोना काल, अब मैं अब क्या बोलूं, आप तो अच्छे से जानते हैं कि जैसी हालत आज स्थिति पूरे देश में है, ऐसे में क्योंकि आप चंडीगढ़ होटल एसोसिएशन को आप अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसी क्या अभी आज की क्या स्थिति है कोरोना में चंडीगढ़ होटल? कोरोना में सर, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, ट्राई सिटी के लिए अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 यूनिट हैं जो ऑथराइज्ड हैं सरकार की तरफ से। उनका 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस पिछले 60 दिन में ख़त्म हो गया। और लॉकडाउन में जो ऑनर्स हैं, आई थिंक 90% ने तनख्वाह दे दी होगी मार्च तक की, हो सकता है 5-10% भी लोग पेंडिंग है जिनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। ऐसे ही उनके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, रेंट वाले को रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार की तरफ से कोई हमारे को उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सरकार ने जो अभी तक रिलीफ दिया है सिर्फ 3 महीने की ईएमआई एक्सटेंड करने के लिए दिया है। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, मे बी ऑल इंडिया मोदी साहब से, क्योंकि वी इज़ द फाइनल अथॉरिटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ द फाइनल अथॉरिटी। हमने उनको रिप्रेजेंटेशन अपनी भेजी हैं, वेब की तरफ से भी गई हैं। हमारी यही गुजारिश है, कम से कम अगर इस इंडस्ट्री को उठाना है, जिनके ऊपर लोन है, कम से कम उनको 1 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए अगर इस इंडस्ट्री को उठाना है। अभी लॉकडाउन 4.0 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो शायद एमएचए की तरफ से कुछ गाइडलाइंस इश्यू हुई हैं। एमएचए की गाइडलाइन से अभी तक होटल इंडस्ट्री को कुछ भी अलाउ नहीं किया गया, ना रूम ना रेस्टोरेंट। अभी कल जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें हमारे चंडीगढ़ के रेस्टोरेंट को अलाउ किया है ओनली टू ऑपरेट आउटडोर डिलीवरी। ही कस्टमर कैन कम एंड टेक द डिलीवरी, मगर वो यहाँ पर वो हमें कुछ भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। उस प्रॉब्लम में ये है कि अभी इसमें तो यहाँ तो होटल और रेस्टोरेंट तो अलग प्रोफाइल के हैं, जहाँ तक हमें नॉलेज है इस चीज़ दोनों भी, रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, रेस्टोरेंट कमरे होटल, पर अधिकतर जो होटल्स हैं उनका डिलीवरी का काम नहीं होता, उनका डिलीवरी काम नहीं है। तो फिर इस चीज़ को कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे आप करेंगे? तो बिल्कुल टोटली फिनिश हो गया होटल इंडस्ट्री। तो आप समझ लो आगे 8 महीने भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे पास कोई बंदा आएगा। बिकॉज तो ऐसी कितनी होटल्स होंगे चंडीगढ़ में जिनको अभी कोई इस तरह की रिलीफ नहीं मिल पाएगी इस लॉकडाउन के अंदर? सारे को डिलीवरी, रेस्टोरेंट को डिलीवरी मिली है, बाकी होटल तो सब किसी को कुछ नहीं मिला। तो इसमें प्रशासन से आपने, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर चुके होटल खोलो, वो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जो भी एमएचए की गाइडलाइन आती है उसके ऊपर ही चलते हैं, वी कैन नॉट गिव विदाउट रिलीफ टू विदाउट एमएचए ऑर्डर। दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में पूरे देश में होटल्स क्वारंटाइन के लिए खोले जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ में भी खोले हैं इन्होंने अभी 6-6 होटल क्वारंटाइन के लिए खोले हैं। उसमें माउंट व्यू है, शिवालिक व्यू है, लेमन ट्री है, एक पंचायत भवन है, एक इन्होंने हॉस्टल दिया है यूनिवर्सिटी में। आई हैव ट्राइड टू कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट, जब मैं नोडल ऑफिसर के पास गया उन्होंने हमें गाइडलाइन बताई एमएचए की, आपको एक 24 आवर के लिए डॉक्टर एंड एक नर्स चाहिए, विच आई सेड आई रिफ्यूज हिम कि अगर हमारे वो इंतजाम होटल इंडस्ट्री करेगी। ओके, अगर मेरा होटल में 12 कमरे या 14 कमरे हैं, मैं उसको डॉक्टर की सैलरी कहाँ से दूंगा? कस्टमर तो 2500 रुपये रूम का किराया नहीं देने के लिए तैयार, और अभी कस्टमर भी नहीं है। बस कस्टमर भी नहीं है, तो आपके ऊपर अभी जो भार आप कह रहे हैं वो डल रहा है डॉक्टर और नर्स हायर करने का, जो 24 घंटे आप वहाँ पे 24 घंटे, मगर कस्टमर है नहीं, तभी हायर करेंगे जब कस्टमर हमारे पास आएगा, और हमारे होटल शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जी। तो ऐसे में मतलब अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे क्योंकि अभी आपने बताया कि शादी समारोह में 50 लोगों की कही गई है या डेथ केस में 20 लोग जुड़ सकते हैं,
तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या, ये अब एक तरह से तो प्रशासन ने खोल दिया है आपके, एक तरफा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर जो मनोज परिदा जी हैं एडवाइजर साहब और गवर्नर साहब जो वार रूम में बैठकर मीटिंग होती है, अब उन्होंने ये तो अलाउ कर दिया कि 50 बंदों की शादी हो सकती है, 20 बंदों का क्रियाक्रम हो सकता है, बट 20 बंदे शरीक हो सकते, शरीक हो सकते हैं उसमें, और उसमें आप धार्मिक स्थान क्लोज किए हुए हैं, होटल क्लोज किए हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर क्लोज किए हुए हैं, वो 50 बंदे की पार्टी कहां पर करेगा, उसके घर में तो 50 बंदों की परमिशन ही प्रोविजन ही नहीं है, ये तो सरकार बताए ये 50 बंदे की पार्टी कहां करेगा वो। हाँ, ऐसे में क्योंकि हम अच्छे से पता है कि वो चीज जो शादी है वो रस्में गुरुद्वारे में गुरुद्वारे हो सकती है, कम्युनिटी सेंटर में हो सकती है, या किसी ने छोटा मोटा फंक्शन करना है। यहाँ आप कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल भी बंद है, हाँ जी, और शादी समारोह भी है, वो मैरिज पैलेसेस जो है वो भी बंद है, और होटल अगर खोली है, होटल बंद है, तो फिर आपको डॉक्टर और नर्स चाहिए अगर आप इस चीज के लिए खोलना चाहते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो ये गाइडलाइन बनाई है इनके ऊपर मतलब धरातल पे वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रही है। वो जब हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन किया, जब मैंने बोला कि आप हरियाणा में ये डॉक्टर की प्रोविजन की डिमांड नहीं है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डॉक्टर इन चंडीगढ़ दे सेड वी आर अबाइड बाई MHA गाइडलाइंस, हम डॉक्टर तो आप प्रोवाइड कर सकते हो तो हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, हरियाणा मतलब हरियाणा ने अलाउ कर दिया में, हाँ जी, वहाँ जो होटल है वहाँ वो सरकार प्रोवाइड कर रही है डॉक्टर, और चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में कहते तो आप अपना होटल ओनर को अरेंज करना पड़ेगा, और इसमें किसी तरह का कोई रिलीफ सरकार देना नहीं चाहती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सिंह साहब ये बात आ रही है निकल के कि सरकार ने साफ ये हिदायत दी थी कि कोई भी व्यापारी या कोई भी उद्योगपति सैलरी नहीं काटेगा स्टाफ की इस समय में, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब मार्च और अप्रैल की सैलरीज का दिक्कत आई है, बिजनेस को जो जोल्ट लगा है, तो ऐसे में क्या आपने भी अपने एक तो पहले की तो सरकार ने गाइडलाइन दी थी कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटेगा जी, बट कुछ जगह पर जब सरकार के पास ऑफिसर आए, जैसे लोग चंडीगढ़ में भी आए, वो हमारे को प्रेशर कर रहे थे कि सैलरी दो, जब कुछ ऑनर ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं हम सैलरी कहाँ से दें, तो उन्होंने थ्रेटनिंग भी करी कि हम आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे एम्प्लॉय। देन उन सरकार अपने होटलियर कुछ होटलियर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को MHA ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया, और MHA ने अब जो ऑर्डर किया था वो वापस भी ले लिया, okay. वो आज लिया है, तो ऐसे में अब ऐसे में रिलीफ है, लेकिन बात तो पर समस्या तो वही खड़ी है ना, पैसा नहीं आपने है, एम्प्लॉय को पैसा दिया नहीं, नहीं दिया, सरकार ने कहा कि उद्योगपति या होटल या जो भी है मालिक वो अपने एम्प्लॉय को पैसा दें, बिल्कुल आपने हाथ खड़े कर दिए, आप कह रहे हैं कि वो उसमें रूल उन्होंने वापस ले लिया, अभी वापस लिया, आज वापस लिया, तो एम्प्लॉय को पैसा कौन देगा, उसका घर कैसे चलेगा, प्रॉब्लम तो है ही है सरकार को, कोई सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं पर सरकार ने हमें आज तक एक पैसे का रिलीफ नहीं दिया, उनके सिर पे कोई जू नहीं रह करी। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ी हाई प्रोफाइल सिटी है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ टैक्सेस भी आपके पास बड़े अच्छे लेवल पे, हाँ आप लोग पे करते होंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स से लेके पार्किंग रोड हर तरह का सैनिटाइजेशन हर तरह, तो उसमें कोई रिलीफ को लेके आपकी एसोसिएशन ने कोई मांग रखी प्रशासन? हमने डिमांड करी थी कि GST 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, इंटरेस्ट रेट जो हम लोगों कुछ बंदों के इंटरेस्ट हैं उनको सरकार कम 3 महीने की रिलीफ दिया है EMI के ऊपर, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 6 महीने करते, बट हमारी डिमांड है जो भी ये टैक्सेस हैं EMI है 1 साल के लिए सरकार इनको एक्सटेंड कर दे, चाहे बाद में वसूल कर ले, अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए एक्सटेंड पोस्टपोन कर। क्या कहना है इसका प्रशासन में? प्रशासन के पास कोई बात नहीं, उनके पास उनके दिमाग में तो ये बात आपने एडवाइजर साहब के पास, एडवाइजर के पास भी भेजी, हमें ऊपर दिल्ली मिनिस्ट्री में भेजी है। अच्छा, लेकिन जवाब कोई नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से आप रिवाइवल देख रहे हैं आप अभी होटल इंडस्ट्री का? होटल इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से जी चंडीगढ़ में तो 25% होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, और 15,000 एम्प्लॉई जॉबलेस हो चुका है चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला ट्राई सिटी में, तो अभी ये हालात। और हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी गाइडलाइन के मुताबिक कोई बस नहीं खुली, कोई एयर ट्रैवल नहीं खुली, कभी ट्रेन नहीं खुली, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा बिजनेस 2020 में टोटल कोलैप्स कर जाएगा। अगर 6 महीने नहीं चल पाए, हमारे एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाए, हम अपना रेंट नहीं दे पाए, हम अपने EMI नहीं दे पाए, तो इसमें सुसाइडल है लोगों के लिए। ये जो आर्थिक पैकेज अभी अनाउंस हुआ है उसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मोदी जी ने किया है, पर हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं दिया, उन्होंने बोला कि लोन ले लो, ओके बस उन्होंने सिर्फ लोन बोला कि बैंक से आप शायद लोन, वो बड़ी आसान शर्तों के ऊपर शायद वो लोन देना, वो अभी किसी को मिलेगा तो पता लगेगा, बैंक जाओगे तो मिलेगा, अभी तो मेरे को उम्मीद नहीं कि बैंक भी हमें इजीली लोन देंगे।
आपको क्या लगता है सिंह साहब, अगर आप हमें संक्षेप में अगर बताएं कि होटल इंडस्ट्री को सर्वाइवल के लिए प्रशासन आपको किस तरह से मदद करे, किन ऐसे आधारभूत पॉइंट्स के ऊपर से प्रशासन को सर काम करना चाहिए? नंबर वन, एक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, टूरिस्ट आने के लिए बसेस, रेल, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए फ्लाइट्स खोलनी पड़ेंगी। अभी तो आएंगे तो अभी तो उनको शक है भी हम होटल में रुकना भी है या नहीं रुकना, ये अभी बहुत लंबी लड़ाई है। आई डोंट एक्सपेक्ट ये अक्टूबर तक भी हमारी इंडस्ट्री खुल पाएगी। तो ऐसे में ये एक सर्वाइवल की अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लम है, इसमें सुसाइडल भी है, कुछ बंदे सुसाइड भी कर देंगे जिनके पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से देंगे। मैं समझता हूँ बैंक लोन भी काफी होता है, क्योंकि बैंक लोन है भी जिनके ऊपर ऑलरेडी है, किसी के ऑलरेडी केस खराब हुए हैं, किसी का NPA है। अब सरकार कह रही है अब होटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री को SMEI में लगा लो, बट अभी लोगों ने अप्लाई करेंगे, उसके बाद सरकार कुछ इंटरेस्ट में रिलीफ देगी। मगर अगर 11 बस है तो उसमें हो सकता है 9.5 कर ले, पर अभी लोग अप्लाई करेंगे लोन, तब सर्वाइवल आएगी। सरकार कह रही है हम सिर्फ लोन दे सकते हैं। तो आपका ही कहना है अभी कि मतलब हाल फिलहाल अभी ऐसी कोई हमें कोई आसार नजर नहीं आ रहे, हमें कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी चिंताग्रस्त बात है। अगर आज हम बात करें इस पे, जिस तरह की अरविंद जी प्रेसिडेंट चंडीगढ़ होटल एसोसिएशन के हमारे साथ साझा कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो जो एम्प्लॉयज़ आज बेरोजगार हुए बैठे हैं, जिन्हें ना तो होटल मालिक पैसा देने की स्थिति में है और ना प्रशासन की तरफ से कोई इस बात की क्लैरिटी आ रही है, तो फिर जो दावे किए जा रहे हैं, बड़े पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर पहुंचने के लिए सक्षम हैं, या उनका क्रियान्वयन सरकार या प्रशासन की तरफ से पुरजोर तरीके से किया जा रहा है? ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो आने वाले समय में शायद देश में अलग अलग तरह से हमारे सामने आएंगी। ऐसे किसी मुद्दे पर फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।